इसमें क्या कवर हो रहा है। अच्छा हम टेबल टेबल के चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं आज थोड़ा, ठीक है, फिर जो बच जाएगा फिर हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अच्छा इसमें तीन बातें कवर कर रहा है, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, व्हाट इंफॉर्मेशन सुट्स द बेस्ट इन टेबल्स, कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो टेबल में दिखाना अप्रोप्रिएट रहेगा या टेबल में दिखाना बेस्ट रहेगा। हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल, अगर कोई डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा तो वो टेबल में कैसे दिखाया जाएगा, तो ये बात हो रही है। देर आर सेवरल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट नीड टू बी डिस्प्ले इन अ ग्रिड और अ टेबल, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स रिजल्ट, स्टॉक रिपोर्ट और ट्रेन टाइम टेबल। कुछ इसने एग्जाम्पल्स बताइए कि इस तरह का डेटा अगर होगा, जैसे स्पोर्ट्स का रिजल्ट होता है, 10 बैट्समैन है, अब उन 10 बैट्समैन ने क्या किया, स्कोर किया, कितने ओवर पे क्या किया, मतलब इस तरह का डेटा जो, तो वो टेबल में दिखाना बेस्ट रहेगा। अगर उसको मैं टेबल में दिखाने के बजाय पैराग्राफ में लिख दूँ अगर, तो कंपैरिजन करना नस्बतन शायद मुश्किल है, ठीक है। मैं 10 पैराग्राफ, जाहिर है 20-25 लाइन का पैराग्राफ होगा वो, तो उसमें हर बैट्समैन का नाम होगा, साथ में उसका स्कोर होगा, इतने में उसने स्कोर किया। बट अगर मैं उसी, अगर टेबल में होगा तो 3 बैट्समैन का मैं देख सकता हूँ, अच्छा पहले ने इतना स्कोर किया, दूसरे ने इतना, तीसरे ने इतना, तो उसको देखना, कंपेयर करना, अंडरस्टैंड करना, परसीव करना आसान होता है टेबल की फॉर्म में अगर वो होता है तो, ठीक है। तो यही वजह है कि हम इसको टेबल में दिखाना अप्रोप्रिएट समझते हैं। वेन रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ टेबल यू नीड टू थिंक इन टर्म ऑफ ग्रिड मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कह रहे हैं कि टेबल की जब आप बात करें तो आप ऐसे जहन में लाएं कि एक ग्रिड है, सही, ग्रिड समझते हो, जो कैमरे में भी ग्रिड बना हुआ होता है, ऐसे लाइनें बनी आ रही थी, ठीक है, पूरी दुनिया पे भी एक ग्रिड बना हुआ है, पता है ना आपको, पूरी दुनिया का अगर आप नक्शा देखोगे तो वो ग्रिड बना हुआ है, हाँ, वर्ल्ड ग्रिड लिखोगे ना, ये देख रहे हो पूरी दुनिया, ये क्या बकवास है, पूरी दुनिया का जो नक्शा है ना उसको भी ग्रिड में बनाया हुआ है, ओपन इन न्यू टैब, ये जस्ट मैं ग्रिड समझा रहा हूँ अगर किसी को नहीं पता है कि ग्रिड क्या होता है, तो ये पूरी दुनिया का नक्शा है और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू में खींचा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर ये अगर पॉइंट 0-0 है, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि 7.9, तो उसका मतलब है कि इस इन बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स की बात हो रही है, ठीक है। 7.9 मतलब ऐसे 7, तो मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 9 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7/9 में ये वाली जगह बनती है, ठीक है, और ये वाली जगह कौन सी है, समुंदर आ रहा है इस जगह में बीच में, लेकिन एक्चुअल में जो पोस्टल कोड होता है ना आपका, वो इसी ग्रिड का होता है एक्चुअली, ठीक है। पोस्टल कोड अभी इसमें कोई भी आप पूरे मैप में किसी भी जगह पे हाथ रखेंगे तो कोई ना कोई एक्स वाई की तो वैल्यू बनेगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई एक्स वाई की वैल्यू ना बने, तो पोस्टल कोड असल में उसी से कुछ कैलकुलेशन हुई भी होती है, हाँ। अच्छा एक और भी तरीके से आपको यही वैल्यू एक दूसरे रिप्रेजेंटेशन में मिलती है जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, सही है। तो लैटिट्यूड पूरी दुनिया का एक्स वाई की वैल्यू है असल में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आप किसी भी जगह पे हाथ रखेंगे इस पूरे मैप के अंदर तो उसमें एक्स वाई की कोई ना कोई वैल्यू आपको मिल रही होगी। तो रोज और कॉलम में इसको आप सोचें, ग्रिड में सोचें आप, ठीक है जी। अच्छा ये इसने एक वेबसाइट दिखाई है, एक वेबसाइट में टेबल बनाकर दिखाई दी है इसने, कि कुछ इस तरह से अगर एक वेबसाइट पर टेबल होगी ना तो कुछ इस तरह से वो दिख रही होती है। अच्छा उसके अगले पेज पे इसने क्या किया है, एक अदद जो है ना आपको वो दिखाया है इसने, एक न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, ठीक है, शेयर्स एंड मार्केट बिजनेस करके उस पर हेडिंग लगी हुई है, कोई बिजनेस न्यूज़पेपर है जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर बात करता है। उसके अलावा दो, एक हैंड आउट पढ़ा हुआ है और एक ब्रोशर पढ़ा हुआ है इसके पास, और इन पे कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा आप देखेंगे इसमें कितना ज़्यादा डेटा इसमें लिखा हुआ है और अलग अलग लेबल्स के साथ लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ने में बहुत ही ईजिली वो पढ़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे शायद कोई मेन्यू बना हुआ है, कुछ रेस्टोरेंट के मेन्यू जैसा कुछ है, कि जिसमें यहाँ पे एक लेबल लिखा हुआ है और उसमें एक प्रीमियम के पैसे हैं और एक स्टैंडर्ड के पैसे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ ये इन शायद इंश्योरेंस का कुछ है, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ है ये, ठीक है।
ठीक है, कि प्रीमियर और स्टैंडर्ड में नॉट कवर्ड और कवर्ड ऐसे आ रहे हैं। तो ये आपने टेबल देखा कुछ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो टेबल का इस्तेमाल होता रहा है आज तक, उसकी कुछ एक झलकियाँ आपको इसने दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक हेडिंग लगाई है कि व्हाट इज अ टेबल। अ टेबल रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ ग्रिड फॉर्मेट। एग्जाम्पल ऑफ टेबल इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्ट, टीवी स्केड्यूल एंड स्पोर्ट्स रिजल्ट। तो ये एक वेबसाइट है जो एक रियल लाइफ की वेबसाइट है काइंड ऑफ। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इस वेबसाइट में टेबल कहाँ पर बनी हुई है या टेबल का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है? जहाँ पे मार्केट्स लिखा हुआ है, यानी ये वाला जो हिस्सा है आप कह रहे हैं कि टेबल है ये? अच्छा, या नीचे ये हिस्सा टेबल है इसका, ठीक है। अच्छा, क्या कहीं और भी टेबल बनी हुई है इस वेबसाइट में? अच्छा, जहाँ पे कमोडिटी फीचर्स लिखा हुआ है ये भी, ये वाला पार्ट? अच्छा, ये वाला जो पार्ट है कमोडिटी करेंसी लास्ट चा, ये वाला भी पार्ट एक टेबल है। बिल्कुल सही बताया आपने। कोई और भी पार्ट इसमें है ऐसा जो आपको लगता है कि टेबल? ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला जो ये ये वाला, ये एक रो जो है ये एक टेबल है काइंड ऑफ, ऐसा लग रहा है इसको देख के कि ये एक टेबल होगी। सही है। अच्छा, ये जो पार्ट है ये भी एक टेबल हो सकता है, नॉट श्योर कि ये है या नहीं है। अच्छा, ऊपर जो ये बना हुआ है ये वाला सेक्शन, ये भी एक टेबल हो सकता है, ठीक है। वैसे उसका इस काम को करने के टेबल के अलावा भी तरीके हैं, लेकिन इस काम को टेबल के जरिए भी किया जा सकता है क्योंकि हमें कोड तो नहीं खरा कि क्या अप्रोच है, तो ये भी टेबल हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे जो अंदर ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट भी एक टेबल हो सकता है इंटरनली। वेल, तो इसमें मोस्ट विजिबल और मोस्ट यानी जिसको श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि टेबल है, वो एक टेबल यहाँ है, एक उसके नीचे है दो, एक इसके नीचे तीसरी ये वाली है, एक चौथी ये वाली है, और ये 5, 6 और 7, ये 3 टेबल्स नॉट श्योर इसको टेबल के अलावा करने भी का। तो हमने ये देखा कि यार एक रियल लाइफ की वेबसाइट में भी टेबल इस तरह से। अच्छा, एक ले मैन जो होगा जो इस तरह से उसको नहीं देख रहा है इस नज़र से, शायद उसको फील ना हो कि यार ये टेबल बनी हुई है या क्या बना हुआ है, उसको फील ना हो। लेकिन अभी आपने इसको एक ख़ास नज़र से देखा है तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पर टेबल लगी हुई है, ठीक है। तो दिखाने का मकसद यही था कि आपको रियलाइजेशन हो जाए कि आप ही डेली बेसिस पे जो वेबसाइट देखते हैं उन्हीं में से एक वेबसाइट उठा के उसमें टेबल का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, तो बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर बनता कैसे? बेसिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए एक टेबल का टैग ओपन हुआ है यहाँ पे, और एक टेबल का टैग यहाँ नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। उसके अंदर जो है एक टी आर लगा हुआ है। टी आर का मतलब है कि टेबल की रो। तो ये टी आर जहाँ से ओपन है और जहाँ क्लोज है, ये पूरा एक रो है, शुरू से लेके आखिर तक एक रो है ये। इसी तरीके से फिर दूसरा टी आर है, फिर तीसरा टी आर है। तो 3 रो इस टेबल में होनी चाहिए। रो का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली जो पूरी लाइन होती है उसको हम एक रो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रो और कॉलम में कन्फ्यूज तो नहीं होता है कोई आप में से? सोचना पड़ता है थोड़ा कि रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। कैसे पता लगाते हो कि कौन से को रो बोलते हैं, रो कौन से को कॉलम? वर्टिकल जो है रो है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रो है। तो वेल, हॉर्स जिस पे दौड़ता है वो हॉरिजॉन्टल है, सही है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, हॉर्स जिस पे दौड़ता है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। बाकी जो दूसरा वाला है वो वर्टिकल है। तो देखो, थम रूल ऑफ थम बनाना पड़ता है आपको। तो ये रूल ऑफ थम है कि हॉर्स जिस पे दौड़ता है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है।
और रो कॉलम का किसी ने इस तरह कोई अगर रूल ऑफ थंब बनाया हुआ तो वो शेयर कर सकता है। रो कॉलम का किसी ने रूल ऑफ थंब बनाया हुआ है कोई कि रो कौन सा है कॉलम कौन सा है? नहीं बनाया हुआ है। हाथों से कैसे चेक करते हो? अच्छा ये कैसे याद रखते हो कि उल्टा हाथ कौन सा सीधा हाथ कौन सा? सलाम करके। अच्छा हाँ बताओ। मतलब ये बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे होते हैं ना वो भूल जाते हैं कि सीधा हाथ कौन सा। कॉलम हाँ सी वी कॉलम जो है वर्टिकल होता है, तो बाकी जो बचा वो हॉरिजॉन्टल है और वो। अच्छा छोटे बच्चों को ना, मैं एक दिन बैठा हुआ था, पता नहीं अभी मुझे याद नहीं है कहाँ था मैं, तो एक अम्मा थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था ना, उसको मार पड़ रही थी। छोटे बच्चों को मार बहुत पड़ती है बेचारों को अम्माओं से अपनी, तो वो उसको मार पड़ रही थी। वो खाना रखा हुआ था, उसके आगे उसने खाना ना उल्टे हाथ से खाया, उसकी अम्मा ने बोला तुम सीधे हाथ से खाओ। तो अब उस बेचारे को अब वो उसको समझ नहीं, वो कभी उल्टे हाथ से उठा ले रहा है कभी सीधे हाथ से उठा ले रहा है, वो कन्फ्यूज़ है कि यार सीधा हाथ कौन सा है। तो मतलब मैं भी जो है पहले भूल, कैसे कोई पूछता था ना यार सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे, तो मैं भूल जाता था कि सीधा हाथ उल्टा हाथ कौन सा है। तो फिर चप्पल पहनने में भी होता है ना, बच्चे उल्टा पहन लेते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि यार ये क्या उल्टा सीधा का चक्कर है। अच्छा बच्चों की चप्पल में उल्टा सीधा होता भी नहीं है इतना, वो दोनों पैर एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट। हमारी चप्पल तो बाकायदा उल्टा और सीधा पैर होता है ना, थोड़ा शेप डिफरेंट होता है, बच्चों का होता भी नहीं है, एक ही जैसा होता है दोनों पैर उनका, तो उनको पता ही नहीं चलता। अम्मा को पता चल रहा होता है लेकिन अम्मा मार रही होती हैं उसको दमादम। ठीक है तो भाई, तो मैं ऐसा लगाता था कि अच्छा यार जिस हाथ से बॉल कराते हैं ना वो सीधा हाथ है, तो ऐसे मैंने याद उल्टे हाथ से करा देते। अच्छा पता नहीं, मेरे से तो उल्टे हाथ से सीधे से। अब लेफ्टी अपने लिए रूल ऑफ थंब अलग बनाए भाई। वेल तो इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कहाँ चला गया कोड हमारा? ये रहा, मैंने कहा फोर टेबल्स और इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सही है ये टेबल मैंने यहाँ पे बिछा दी। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, रो को ना बकायदा रो जैसा बना देता हूँ। मतलब इस वैसे तो फॉर्मेट ये बिल्कुल सही है इसका, जिस तरह से ये लिखा हुआ है इसी तरह लिखते हैं आमतौर पे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी आसानी के लिए मैं इसको ऐसा कर दूँ कि ये रो जैसा दिखे। सही है, इसको रो बना दिया मैंने। अब देखो ये एक रो यहाँ से स्टार्ट है और ये यहाँ पे ख़त्म है, और ये एक दो और तीन ये इसके सेल हैं। अरे यार इसको मैं फॉर्मेट करूँगा ना तो ये वापस आ जाता है। अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं पकड़ रहा हूँ ऑप्शन और कमांड को पकड़ के, मैं एरो डाउन कर रहा हूँ। ठीक है ऑप्शन और कमांड को, आपके विंडोज़ के केस में ये होगा कंट्रोल और अल्ट होगा, उन दोनों को पकड़ के एरो डाउन करेंगे तो ये डुप्लीकेट होगा। ठीक है अच्छा ये आप एक काम और भी कर सकते हैं इसको करने के लिए, अगर माउस के ज़रिए आपको डुप्लीकेट करना है अगर सर, तो आप अल्ट पकड़ के और जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे ना वहाँ वहाँ एक एक कर्सर आ जाएगा। देखिए ना जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं अल्ट दबा के कर रहा हूँ। अब मैं जब कोई भी बात लिखूँगा ना तो जहाँ जहाँ कर्सर है सब जगह लिखाएगा ये। सही है अच्छा कर्सर अगर मैंने बना दिया है, जैसे अल्ट करके मैंने एक दो और तीन बना दिए,
अब ये ऊपर वाले को ख़त्म करना है, तो अल्ट पकड़ के दोबारा एग्जैक्टली इसी जगह करूँगा तो ये ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब ये आखिरी जो बचा है ये नहीं ख़त्म होगा, ये भी ख़त्म हो गया तो लिखेंगे कहाँ पे। तो ये जो टेबल थी ना, मैंने इसको टेबल जैसा बना दिया, टेबल का टैग स्टार्ट, टेबल का टैग ख़त्म, ये एक रो है, ये डिस्प्ले भी इसी फॉर्म में होगी, यानी हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले होगी रो, और ये एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है। तो ये पहली रो के अंदर तीन सेल, दूसरी रो के अंदर भी तीन सेल, और तीसरी रो के अंदर भी तीन सेल। इसको अब मैं क्या करता हूँ, ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो गया, ठीक है। सॉरी, क्या कॉलम, हाँ, तो ये टेबल पूरी बन के हमारे पास प्रिंट हो गई। कॉलम इसमें नहीं आया, क्या मतलब, ये समझा नहीं आया। नहीं, इसमें कॉलम है ही नहीं ना, इसमें रो है, इसमें रो है, ठीक है। ये एक रो है, ये दो रो है, और ये तीन रो है, बस रो बनाते जाएंगे हम। तो वो कॉलम जब चार पांच रो बन जाएगी तो काइंड ऑफ, नहीं कॉलम में नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ रो है। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, और ये लास्ट वाली तीसरी रो है, दैट्स इट। हाँ, 15 के नीचे 45 दिखाएगा, 60 दिखाएगा, लेकिन हम जो कोडिंग करेंगे ना वो कॉलम में नहीं कर सकते, वो सिर्फ रो में करेंगे हम। कॉलम वो जाहिर है वो खुद ही बन जाएगा अल्टीमेटली। अच्छा, इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, एक अदद बॉर्डर लगा देता हूँ, 1 pixel बॉर्डर, सिर्फ 1 भी लिखूंगा तो बॉर्डर बना देगा वो, सही है। तो ये बॉर्डर बना दिया इसने। वैसे बॉर्डर लगाना हमें CSS से होता है, हम इस तरह एट्रीब्यूट से भी लगा पा रहे हैं, लेकिन असल में हमें CSS के ज़रिए लगाना होता है। अच्छा, तो ये एक बेसिक टेबल हमारे पास बन के क्या हो गई, तैयार हो गई। अच्छा, अब अगला हमारे पास क्या है भाई, ज़रा देख लेते हैं। तो ये टेबल का टैग समझ आ गया, टेबल TR यानी टेबल रो, ये टैग समझ आ गया, और TD यानी टेबल डेटा, या उसको सेल भी कह सकते हैं, तो इसकी भी हमें समझ आ गई, और इसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आया जैसा हमारे पास रिजल्ट आया। अब हमारे पास एक चीज़ है टेबल हेडिंग, ठीक है। अच्छा, टेबल हेडिंग जो है वो एक सिमेंटिक टैग है, स्क्रीन पे आपको उसका मतलब थोड़ा सा फ़र्क तो दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में TH स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आता है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने एक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है ऐसे करके, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि टिकट सोल्ड, ठीक है, टिकट सोल्ड इसने बनाया हुआ है। तो मैं भी क्या करता हूँ, अपने पास ऐसे एक टेबल बना लेता हूँ, इस टेबल को मैं रहने देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक हेडिंग 2 डाल देता हूँ, टिकट सोल्ड, ठीक है, एक ऐसे मैं बना लेता हूँ नीचे आ गया। तो टिकट सोल्ड के लिए मैंने क्या किया, एक टेबल बनाई, सही है, टेबल में मैंने एक रो बनाई TR, पहली रो बन गई, दूसरी रो बन गई, सही है, ये TR हो गया मेरे पास। अच्छा, अब मुझे बनाना है TD, मैंने कहा कि इसमें सैटरडे, और यहाँ पे मैंने संडे कर दिया, अब मैंने एक TD इसमें और बना दिया, और मैंने कहा कि भाई 34, और एक TD और बना दिया यहाँ पे 12। कुछ इस तरह से मेरे पास ये टेबल बन के आ गई है नीचे, राइट। अच्छा, इस पे मैं क्या लगा देता हूँ, बॉर्डर भी लगा देता हूँ, वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ऐसे करके लगा दिया मैंने। अब ये सैटरडे जो है, एक मिनट यार, इसने ना थोड़ा सा डिफरेंट बनाया यार। वेल, मैं इसका काम ही चेंज कर देता हूँ ना, मैं 3-4 बैट्समैन के नाम लिख के उनका स्कोर बता देता हूँ, ठीक है, सही है। फर्स्ट आवर क्या होता है भाई, जॉन एलिस, भाई अनफॉर्चुनेटली मुझे नाम नहीं पता यार बैट्समैन के, ठीक है, तो ये जॉन और एलिस मेरे बैट्समैन हैं, सही है। और
एक मैं रो और बनाऊंगा जिसमें जिसमें मुझे टॉप की हेडिंग भी तो लगानी है ना कि हाँ बॉल और रन्स। बॉल्स और रन्स हो गए। तो जिस तरह से ये टेबल स्क्रीन पे नजर आएगी मैंने उसी तरह से उसको फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये टेबल स्क्रीन पे मेरे पास नजर आ रही होगी कि भाई ये जॉन जो था इसने 34 बॉल पे 12 रन बनाए, सही है, और एलिस जो था या थी उसने 24 बॉल पे 22 रन बनाया। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये इस तरह से एक टेबल हमारे पास जनरेट हो चुकी है। रिफ्रेश किया मैंने इसको तो ये बॉल्स और रन्स और ये जॉन और एलिस हमें पता चल गया। अच्छा, अगर आप इसको गौर से ज़रा देखेंगे अगर तो जॉन इज अ हेडिंग फॉर दिस रो, एलिस इज हेडिंग फॉर दिस रो और बॉल्स जो है इज हेडिंग फॉर दिस कॉलम और रन्स जो है इज अ हेडिंग फॉर दिस कॉलम। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस बात को मेंशन करना है सिमेंटिक डिटेल्स के लिए, हमें इस बात को मेंशन करना है ताकि हमारे पास जब कोई स्क्रीन रीडर आए, क्योंकि देखो इस टेबल को पढ़ के बताना है अगर तो उसके लिए ये बात पता होनी चाहिए कौन सी हेडिंग है और कौन सा डेटा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि दिस टेबल टेल्स कि कितने बॉल पर कितने रन बनाए गए। अगर मैं इसको सेंटेंस में बोलूँगा तो इसी तरह बोलूँगा ना, क्योंकि मेरा अभी मेजर है चैट बॉट तो मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है भाई अभी ये डेटा इसको बोल के कैसे बताऊँगा मैं। तो शायद अगर मैं होता तो मैं मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी हेडिंग है तो मैं बताऊँगा कि यार ये टेबल बताती है कि कितने बॉल पर कितने रन बनाए गए और अगली बात मैं बोलूँगा कि जॉन ने बनाए 34 बॉल्स पर 12 रन, फिर एलिस ने बनाए 24 बॉल पर 22 रन। एक जुमला फॉर्म कर सकता हूँ मैं प्रोग्रामेटिकली। तो यही वजह है कि मुझे इस पर मेंशन करना पड़ेगा सिमेंटिक डिटेल्स के लिए। फिर दूसरी बात ये कि अगर कोई क्रॉलर मेरी वेबसाइट पे आता है तो उसको भी ये बात समझने में आसानी होगी कि कौन से बंदे ने, मिसाल के तौर पे मैं अगर गूगल पर सर्च करता हूँ कि इन टुडेज मैच हाउ मेनी रन्स डिड जॉन मेक, ऐसे करके सर्च करता हूँ मैं, तो ये गूगल जो डेटा ला रहा है ये कहीं ना कहीं टेबल से किसी ना किसी वेबसाइट से ही उठा के लाता है। तो अगर मैं इसमें प्रॉपरली मेंशन किया हुआ होगा ना मैंने एक वेबसाइट में कि भाई कौन सा, तो गूगल को आसानी होगी उसको फैच करने में वहाँ से और इंडेक्स करने में, और बाद में कोई अगर सर्च करता है तो उसको उस रिजल्ट को दिखाने में आसानी होगी। ठीक है, तो सिमेंटिक डिटेल की वजह से मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैंशन करूँगा। अच्छा, तो ये जो जॉन है सबसे पहले ये हेडिंग है और इसका स्कोप क्या है, रो है, फॉर दिस रो। तो मैं जॉन के साथ बोलूंगा कि भाई आप जॉन जो है वो क्या हो, आप टी एच हो आप, ठीक है, आप टी एच हो, टी एच। अच्छा, टी एच इज नथिंग बट अ सेल, जैसे टी डी सेल है इसी तरह टी एच भी सेल है, बट टी एच वाला जो सेल होगा उसको वो थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाता है, उसका टेक्स्ट जो है क्या कर देगा, थोड़ा सा ये बोल्ड कर देगा। ठीक है, आपको पता है सिमेंटिक में बोल्ड कर देना मतलब, बोल्ड के लिए तो मैं ये भी कर सकता था ना कि भाई टी डी रहने देता, अंदर एक बोल्ड का एलिमेंट लगा देता, बट नो। ठीक है, दिस टी एच हैव सिमेंटिक मीनिंग्स और इसमें मैं कहूँगा स्कोप इसका क्या है, रो है। ठीक है, इसी तरह मैं एलिस पे भी बोलूंगा कि आप हेडिंग हो और आपका स्कोप है रो। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई आप एलिस भी आप क्या हो, हेडिंग हो आप और आपका स्कोप है रो। हाँ, स्कोप नहीं डालेंगे तो पता नहीं चलेगा ना भाई। मिसाल के तौर पे ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जॉन हेडिंग होता ऊपर से नीचे की तरफ डेटा के लिए, ऐसा भी तो हो सकता था ना, जैसा बॉल्स के केस में ऐसा ही है कि बॉल्स जो है वो हेडिंग है ऊपर से नीचे की तरफ, समझ रहे हो। अच्छा, ये तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि सर क्या बात है, सर बॉल्स लिखा हुआ देख के पता तो चल रहा है कि नीचे वाले के लिए, कंप्यूटर को नहीं पता ना, वो तो आप इंटेलिजेंट है इसलिए आपको पता चल रहा है।
आप बोल सोच रहे होंगे ना कि सर जॉन लिखा हुआ तो इधर के लिए हेडिंग होगा ना, मतलब जॉन अपने नीचे वाले के लिए कैसे हेडिंग हो सकता है? जब आपको पता है ना यार, ये तो आप इंटेलिजेंट हो, कंप्यूटर को ये बात बतानी पड़ेगी, उसको नहीं बताएगी। सही है, या प्रोग्रामेटिकली अगर मुझे चेक करना है कि कौन सा वाला किसका हेडिंग है तो ये मुझे बतानी पड़ेगी बात। ठीक है, अच्छा ये जो कोने में बचा हुआ आइटम है ना, ये जो एक खाली टी डी है, इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं टी एच बनाऊँगा और इसको इसी तरह खाली रखूँगा मैं। ठीक है, इसको भी मैं लास्ट वाला जो बचा हुआ था इसको भी मैं क्या करूँगा, यार ये क्या बंद हो गया क्या, इधर रिफ्रेश नहीं हो रहा। अच्छा टी डी ही है अभी तक ये। हाँ ठीक है, तो जॉन और एलिस को मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हेडिंग है और इसका स्कोप भी मेंशन कर दिया। अब ये बॉल्स वाले को मैं क्या बोलूँगा कि आप भी हेडिंग हो, आपका स्कोप क्या है? रो है, ओह सॉरी कॉलम है, सही है, रो तो इन वालों का था ना, अभी कॉलम है। तो मैं जाऊँगा बॉल्स पे, बॉल्स पे जाके लिखूँगा, पहले तो बोलूँगा भाई बॉल्स आप क्या हो, टी एच हो आप, और उसके बाद मैं बोलूँगा कि आपका जो स्कोप जो है वो कॉल है, सही है, सी ओ एल। ठीक है, और सेम बात मैं रन वाले को भी बोलूँगा कि रन भी क्या है, टी एच है, और इसका जो स्कोप है वो कॉलम है। सही है, तो हमें हेडिंग लगाना समझ आ गई कि टेबल के ऊपर हेडिंग कैसे लगेगी, हेडिंग कैसे मेंशन होगी। ठीक है, आज की क्लास को हम मेरा ख्याल है यहीं तक रखते हैं, हमने टेबल की हेडिंग तक का सफ़र कर लिया है। अब स्पैनिंग रोज, स्पैनिंग कॉलम, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, अगर आप लोग भूल गए तो, कि जो नेक्स्ट हमारा, अभी हमारे पास कितने चैप्टर रह गए हैं कवर करने के लिए, हाँ 7 और 8 रह गया ना। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक हमारा आने वाला है, अभी हमारे पास एक क्लास और रहती है इस वीक की, आज वेनसडे की क्लास थी, एक फ्राइडे की क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा जिसमें चैप्टर नंबर 8 तक कवर होगा। सही है, अच्छा गौर से सुन लो इस बात को कि आपने नेक्स्ट वीक जो है वो टेस्ट के लिए रेडी रहना है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हम टेस्ट से पहले 8 चैप्टर कवर कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है हम 7 चैप्टर कवर किया हुआ हमने, लेकिन टेस्ट में 8वां चैप्टर आएगा पूरा। ठीक है, तो आपने अभी से तैयारी रखनी है कि अगर कल भी आपको बोला जाए ना कि 8 चैप्टर का टेस्ट है तो आप रेडी हो। ठीक है, अच्छा क्यों, कि वो MCQs बेस्ड टेस्ट है, वो बुक का जो टेक्स्ट है ना उसमें से है वो MCQs। ठीक है, कल नहीं आए तो एलिमिनेट और क्या, नहीं वैसे तो ऐसा होगा नहीं, नहीं जिस दिन टेस्ट की डेट बताई जाएगी आपने टेस्ट उसी दिन देना है, आपका टेस्ट दोबारा नहीं होगा, अगर कोई नहीं आ पाएगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा पहले। अब वो पता नहीं, वो मैनेजमेंट देखेगी वो, अगर आपका जेन्युइन एक्सक्यूज़ है तो। लेकिन आम, क्योंकि देखो इतने सारे हज़ारों लोग हैं यहाँ पे, अभी सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं, 200-200 बच्चे हैं एक ही क्लास में, तो ये अभी एक दफ़ा टेस्ट हो जाता है, एक ही क्वेश्चंस होते हैं, अभी वो बाद में फिर टेस्ट लेना बड़ा प्रॉब्लम है, आपके लिए नए क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे ना, तो फिर मसला है ये। तो कोशिश करें कि जो टेस्ट की डेट आपको बताई जाएगी कम से कम 3-4 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि किस दिन टेस्ट है, तो उस दिन आपने जो है ना, जी बिल्कुल एलिमिनेशन होगी, अगर आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे आप। ठीक है, तो आपके पास ना एक तो क्लास की एक्टिविटी हमारी चल रही है, जो हम हर एक आध क्लास के बाद मैं असाइनमेंट देता हूँ, अभी तक आपको कितने असाइनमेंट दिए जा चुके हैं, नंबर 1 CV, 1 CV, नंबर 2 रेसिपी वाली वेबसाइट, लिंक्स वाली जो 4 वेबसाइट वाली लिंक था, और दोबारा रेसिपी मैंने दिया था, तो ये 4 असाइनमेंट भी आपके बने हुए होने चाहिए। मैं आप लोगों से गूगल फॉर्म के थ्रू ये असाइनमेंट्स की सबमिशन लूँगा, अभी नहीं लूँगा, टेस्ट के बाद इंशाल्लाह लूँगा मैं। तो ये HTML जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये जितने भी असाइनमेंट बन चुके होंगे उसकी मैं सबमिशन लूँगा आपसे, आपके नाम के साथ और आपकी ईमेल के साथ गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो ये क्लास की एक्टिविटी भी काउंट हो रही है और आपका जो टेस्ट है वो MCQs बेस्ड है, तो कोई प्लीज़ मुझे ये बोलता हुआ नज़र ना आए कि सर हमने तो चैप्टर 8 पढ़ा नहीं है अभी तक तो हम टेस्ट कैसे देते। भाई वो टेस्ट MCQs बेस्ड है और वो बुक पढ़ेंगे आप तभी आप वो टेस्ट पास कर सकते हैं। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है ना, डेली भी बैठते हैं क्लास में और आपने बुक नहीं पढ़ी तो आप उस टेस्ट में फेल हो सकते हैं। तो बुक का एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपने पढ़ा हुआ होगा ना, जब ही वो टेस्ट आप दे सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? आपका पता नहीं कौन सा सेक्शन है, सेक्शन वो लिखा होगा ना एडमिट कार्ड पे तुम्हारे, पता नहीं इनसे पूछ लेना काउंटर पे, मुझे नहीं पता क्या सेक्शन है आपको। चलो ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।